WWE में ब्रॉक लेसनर एक बहुत बड़ा नाम है और ब्रॉक लेसनर को हराना लगभग सभी सुपरस्टार का एक ख्वाब होता है, क्योंकि ब्रॉक जैसे रेसलर WWE में ना कभी आए थे और ना कभी आएगा। ब्रॉक है WWE की द बीस्ट। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले ब्रॉक लेसनर की कुछ ऐसे मोमेंट्स जब उन्होंने अपने ओपोनेंट को बहुत ही बुरी तरीके से चोटिल किया था। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये बात है 2002 की और इसी साल ब्रॉक लेसनर WWE में अपना डेब्यू किए थे और स्मैकडाउन की एक एपिसोड में ब्रॉक लेसनर उनके ओपोनेंट को एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तीन बार लगातार बहुत ही खतरनाक जबरदस्त पावर बम दे दिया। फ्रेंड्स, 2019 के मंडे नाइट रॉ की एक एपिसोड में रे मिस्टीरियो और ब्रॉक लेसनर के बीच एक प्रोमो देखने को मिला था। बट गाइस, एक मोमेंट पे ब्रॉक लेसनर का बहुत ही गुस्सा आ गया और इसलिए ब्रॉक रे मिस्टीरियो को दो बार F5 मार दिया। फ्रेंड्स, अगर आप ब्रॉक लेसनर का एक सच्चा फैन हो तो वीडियो को लाइक और एक कमेंट भी कर दो। फ्रेंड्स, 2003 की स्मैकडाउन की बैक स्टेज में ब्रॉक ने किया था एक बहुत ही दर्दनाक काम और जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हो कि कैसे ब्रॉक लेसनर उनके ओपोनेंट जैक गवेल को व्हीलचेयर से नीचे धकेल दिया। गाइस, 2016 में ब्रॉक लेसनर रोमन रीन्स और डीन एम्ब्रोस के बीच एक ट्रिपल थ्रेट मैच के लिए रॉ की एक एपिसोड में कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग हो रहा था, बट तभी ब्रॉक लेसनर डीन और रोमन के ऊपर अटैक करने लगे। रोमन को मारा टेबल से और एडियन डीन एम्ब्रोस को F5 मार दिया और इसके बाद एक राजा की तरह रिंग से चले गए। सो फ्रेंड्स, यही तक था आज का ये वीडियो। कैसा लगा ये वीडियो कॉमेंट में जरूर बताइए। अगर पसंद आया तो लाइक कॉमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। मिलती हूँ अगली वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाई।